57 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। कौन कौन सी वीवीआईपी सीट रही, वीवीआईपी मतदाता रहे, वो सुबह से ही हर तस्वीर आपको न्यूज 18 नेटवर्क पर देखने को मिली है और लगातार आपकी स्क्रीन में आप ये जानकारियां देख रहे हैं। जो एग्जिट पोल रहेगा वो धीरे धीरे इसी टैली की शक्ल में आएगा। ऊपर आप देख पा रहे हैं एनडीए को कितना, इंडिया को कितना, आदर्श के खाते में कितना जाता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 ये एग्जिट पोल है। 4 जून का इंतजार सभी को है, लेकिन चुनाव उस देश के लिए सबसे दिलचस्प मसला होता है। हर कोई जानना चाहता है कि अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, और यही वजह है कि उसका ध्यान रखते हुए सबसे बड़े नेटवर्क ने यह एग्जिट पोल किया है और अब थोड़ी देर में यह आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो हर बड़ी तस्वीर आज आपको देखने को मिली है, बड़े मुद्दे जिनके साथ लोकसभा चुनाव की यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। 200 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 6600 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए तय किया। इसके अलावा दक्षिण से लेकर उत्तर तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, खटाखट सटासट सफाचट। तो इसमें संपूर्ण सार है, खटाखट से लेकर सफाचट तक। पुनीत के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, सीधा पुनीत के पास लिए चलते हैं। पुनीत, ओवर टू यू। ललित और अपर्णा, आपका और तस्वीरें आप तो बता ही रहे हैं, जानकारी आप बता ही रहे हैं, लेकिन बड़े लड़ैया की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए महायज्ञ जो है उसकी पूर्णाहुति थी आज और महायज्ञ की पूर्णाहुति हो गई है। अब इसके बाद यज्ञ देवता क्या फल देते हैं वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिन्होंने यज्ञ में हिस्सेदारी ली है, जिन्होंने अपनी अपनी आहुति दी है, उन सबके ऋषि मुनियों के अपने अपने अनुमान होते हैं, तो अनुमान भी पता चलेगा और यज्ञ देवता क्या परिणाम दिखाएंगे 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज पूर्णाहुति हो चुकी है और आखिरी चरण की वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं बड़े लड़ैया की, बड़े लड़ैया यानी कि बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने खूब ताकत लगाई और खूब ताकत लगाने के बाद उनके परिणाम क्या कुछ हैं ये जनता ने तय कर दिए हैं और ये 4 तारीख को पता चलने वाले हैं। बड़े बड़े चेहरों में कौन कौन से चेहरे थे, सबसे पहले अगर बड़े चेहरे की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके भाग्य का फैसला वाराणसी की जनता ने कर दिया है, आज ही फैसला हुआ है। राहुल गांधी, 2-2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के सबसे अगर स्टार कैंपेनर की बात की जाए तो राहुल गांधी जो हैं वही रहे हैं और उन्होंने भी खूब रैलियां की हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, बड़ा चेहरा, आज के अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो अनुराग सिंह ठाकुर बड़ा चेहरा, जो कि हमीरपुर से हैं और हमीरपुर की सबसे खास बात आपको मालूम ही है कि सुक्खू भी यहीं से आते हैं। और बठिंडा की बात करें तो हरसिमरत कौर बादल, ये बड़े चेहरे, बिग फेस, बिग फाइट जो है जहां पर हुई आज वो तस्वीर आप देखिए। नितिन गडकरी नागपुर, ये भी बड़ा चेहरा है और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और एक प्रकार से कहा जाए तो हर कोई इनको जानता है, इनके काम के लिए जानता है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, अरुणाचल पश्चिम से हैं, किरण रिजिजू आप भी केंद्र में हैं और किरण रिजिजू जो हैं वो भी एक बड़ा चेहरा है। तो बिग फेस बिग फाइट में ये चेहरे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, ये बीकानेर से चुनाव लड़ चुके हैं और अब इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, इनके परिणाम 4 तारीख को आने वाले हैं। अन्नामलाई कोयम्बटूर से, देखिए बहुत बड़ी, ये बड़ा चेहरा है, साउथ की अगर नजर से देखा जाए तो बहुत बड़ा चेहरा है। क्या होगा इनके भाग्य का फैसला, नतीजे 4 तारीख को। राहुल गांधी कांग्रेस से बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा, और ओम बिरला कोटा से आप चुनाव लड़े हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हम आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं ये चेहरे, कहां से कौन कौन दिग्गज जो हैं वो मैदान में खड़े हुए। नरेंद्र मोदी वाराणसी से, आज ही उनके किस्मत का फैसला वहां की जनता ने कर दिया, उनके सामने अजय राय जो हैं वो मैदान में हैं। और नरेंद्र मोदी हालांकि साधना भी कर रहे थे, अभी कंगना रनौत मंडी से, बड़ी सीट है क्योंकि कंगना रनौत ने यहां पर मैदान में उतर कर माहौल को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि बड़ा चेहरा है, जाना माना चेहरा है, तो क्या यहाँ की जनता ने इनके भाग्य का फैसला किया है, क्योंकि वोट तो डल चुका है। आज ही इन्होंने भी वोट डाला, बड़ा मुस्कुराते हुए ये वोट कास्ट करती हुई नजर आई, लेकिन क्या ये मुस्कुराहट बरकरार रहेगी, जनता ने क्या कुछ तय किया है,
ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, 4 तारीख को पता चलेगा जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बड़े और मेरठ, देखिए मेरठ जैसी महत्वपूर्ण सीट और राम का किरदार, जो राम को लाए, आपको याद होगा चुनाव में बहुत सारी चीजें चली, लेकिन अरुण गोविल मेरठ से हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में है, इनकी सीट के भी का भी फैसला जो है वो हो चुका है। बड़े बड़े चेहरे, स्मृति ईरानी अमेठी से, ये बड़े चेहरे, बड़े लड़ैया जो हैं उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से, पहले राज्यसभा में थे, अब उनको मैदान में उतारा गया। उज्ज्वल निकम एक बड़ा चेहरा, जाना माना मुंबई उत्तर मध्य से इन्हें टिकट दिया गया। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री से, इसके बाद उनको लोकसभा में उतारा गया। करनाल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से, ये भी बड़ा चेहरा है, मोदी सरकार का बड़ा चेहरा। अरुण गोविल बड़ा चेहरा, जाना माना चेहरा है ही, और पहली बार उतरे हैं, देखना होगा कि क्या कुछ जनता ने भाग्य का फैसला किया, 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सीधे चल रहे हैं ललित और अपर्णा की बात, ओवर टू यू। बिल्कुल, और लगातार आपने देख लिया कि बिग फाइट किन के बीच है, कौन वो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पूरे देश की निगाहें किन चेहरों पर टिकी रहेंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खास फोकस है हमारा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन से चेहरे हैं जिनकी सीट बहुत दिलचस्प हो चली है इस चुनाव में, उन पर भी नजर बनी हुई है। देखिए, जब बात होती है एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल जिसके फेवर में आता है वो तो कहता है वो गदगद होता है, लेकिन जिसके फेवर में नहीं आता है वो कहता है कि नतीजों का इंतजार कीजिए। 2019 के अगर एमपी को लेकर एग्जिट पोल की बात किया तो 24 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई दिखाई गई थी, लेकिन नतीजा आया था 28 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अजय धबले हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही संतोष गौतम है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता, और आलोक वत्स जी आपको नजर आ ही रहे हैं। लेकिन संतोष जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी, पहले कांग्रेस का फैसला कि एग्जिट पोल की डिबेट में नहीं शामिल होगी, वापस फैसला बदला गया, आप शामिल हुए हैं हमारे साथ, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने बहुत कड़ी मेहनत की इन चुनावों में, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं, कि किस प्रकार मोदी जी के पिछले 10 वर्ष असफलता का एक अध्याय रहे हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो भी कुछ कहा उसको डिलीवर करने में वो असफल रहे, तभी वो तमाम मुद्दे बीच में लाते रहे, चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा हो, चाहे वो मुजरात आखिरी में ले आए, और तमाम तरीके की बातें। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के जो लगातार भाषा का स्तर गिरता गया, उनकी जो बौखलाहट बढ़ती गई, वो इसी बात का परिणाम थी कि हम उनके सफलता की कहानी को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे, और निश्चित रूप से जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। ये 290 से ऊपर का आंकड़ा, ये कॉन्फिडेंस है, कोई रिसर्च है, या कॉन्फिडेंस की लकीर को कुछ लांघते हुए आप नजर आ रहे हैं, किस हिसाब से ये हुआ है संतोष जी? भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरीके की अतिरेक पूर्ण बात करना भारतीय जनता पार्टी की आदत में शुमार हो गया है, पर लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम वो आंकड़ा दें जो वास्तव में ऐसा लगे कि हमें भी अंदर से आत्मविश्वास हो। इसका भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमले फेंकने की कांग्रेस को आदत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपने, ये अच्छी बात है, अपने पास जितना हो उतना ही दावा करना चाहिए। अजय धवले भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धवले साहब, आपका एक रिएक्शन, अब धीरे धीरे एग्जिट पोल के जो एक तरह से एक चेहरा है वो क्लियर होना शुरू होगा, धवले साहब। लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ संपूर्ण देश की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार का जिस दमदारी के साथ में आगाज होने जा रहा है उसकी आपने कल वानगी देख ली थी कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल का वॉकआउट करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन पूरे देश से जो सेंटिमेंट निकल के आया कि कहां भाग रहे हो, 4 जून तक के तो इंतजार कीजिए, तो आज ये लोग डिबेट में सम्मिलित हो रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सार्थक चर्चाओं का हिस्सा रही है, और देश ने विगत 10 वर्षों में जो विकास के नित्य आयाम देखे हैं, गरीब कल्याण के काम देखे और जनआकांक्षाओं का सम्मान देखा है, उसी को प्रो इनकम्बेंसी का एक प्रो पॉपुलर गवर्नमेंट को प्रो इनकम्बेंसी का वोट मिलने जा रहा है, और हम दमदारी के साथ मैं कह रहे हैं कि जो 400 पार का नारा था, ठीक है आपका कि एंटी इनकम्बेंसी को बदला आपने नतीजों के साथ बीजेपी ने, और ये प्रो कम्बेंसी ये टर्म लेकर आई बीजेपी, ठीक है, समझ आता है। लेकिन क्या था ये कि हर सीट पर जहां जहां हम लोग गए ना कवर करने के लिए या वहां पर जनता का मिजाज भापने के लिए, आपके 3-3 टाइम के सिटिंग एमपी भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते नजर आए, नॉन परफॉर्मिंग एमपीज को आपने रिपीट किया सिर्फ मोदी मैजिक के भरोसे। अपर्णा जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, अगर आपको
ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा है। जब आपके प्रधानमंत्री जो इस भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा है और इस देश का भी चेहरा है, उन्होंने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में देश में परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स का एक जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। हम विपक्ष से आशा करते हैं कि विपक्ष अपने नेताओं के नाम पे वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को जिस ऊंचाई पे पहुंचा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है कि ऐसा एक नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। जी 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 हाँ, मैं सुन रहा था नाना प्रकार की जो उपमाएं हैं वो उनके लिए दी जा रही हैं। खैर, आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, अब ये एक और अभी दावा आ गया, अभी अभी मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन को लेकर और 290 के पार की बात, 290 के करीब की बात कही गई है, इसे लेकर आपका एक क्विक रिएक्शन जी प्लीज। जिस दल से भी वो कहेगा मेरी सरकार बन रही है, हाँ, कोई अपनी डिफीट मानने को तैयार नहीं होगा। क्यों? जिसकी जमानत भी जब्त हो रही हो वो भी कहेगा कि मैं 2 लाख से जीत रहा हूं। तो ये हम लोगों ने देखा है चुनाव दर चुनाव, लेकिन 4 तारीख को ये सारे फैसले आ जाएंगे। और जो आपने सर्वे किया है, जिसका आप, मुझे तो लगा कि 6 बजे ही बता देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद 7 बजे आप सर, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है ना सर, 6:30 तक दिखा नहीं सकते। हाँ, तो कब दिखाएंगे आप, कितने बजे? 6:30 के बाद सर। 8 बजे के बाद, थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। वो भी सर्वे जिस तरीके का हमने आपका रिपोर्ट देखा है कि 95,000 लोगों पर विभिन्न विभिन्न जगहों से, तो काफी, मुझे लगता है काफी नजदीक होगा जो एक्चुअल फैक्ट होगा उसके। लेकिन एक चीज जरूर है जिसका जिक्र अभी किया था मोहतरमा ने, कि जो लोग रिपीट हुए तीसरी बार नॉन परफॉर्मिंग एमपी, उनको जनता ने, बहुतों को अपने गले से नीचे उतारना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अंत में चुनाव आते आते जी, मोदी जी को चूंकि देखना चाहते थे प्रधानमंत्री, लोगों ने बहुत से इलाकों में लोगों ने एक बार फिर जहर का घूंट पी के उसको गाली देते हुए मोदी के इनका नाम पे वोट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, खासकर बिहार में और यूपी के पूर्वांचल वाले बेल्ट में, जहां लोगों ने उसको सबक सिखाने का। सर, बिहार में, बिहार को लेकर मैं आपके पास आने वाली थी, क्योंकि बिहार में जानती हूँ ये आपका पर्सनल फेवरेट विषय है। बिहार में जो फेवरेट विषय नहीं है, आप बिहार से ही है जानती हूँ। जी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं उसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ। एक सवाल मेरा बिहार को लेकर आपसे बस ये था कि जो आखिरी दिनों पर ये सुबुगाहट हुई कि चाचा का मूड बदल सकता है, लेकिन दरवाजे इस बार बंद है, उसको लेकर सर आपका छोटा सा रिएक्शन। उसके दो कारण है जी। एक ये जो परसेप्शन है कि 400 पार, तो लोगों ने कहा कि आलोक जी को सबक सिखाना है, इनको रहने दो, इस बार पार्लियामेंट मत जाने दो, 400 तो आ ही रहा है। तो ये साइनिंग इंडिया फैक्टर भी थोड़ा सा डैमेजिंग वाला फैक्टर हो गया बहुत जगहों पे, कि लोगों ने समझा कि 400 तो आ ही रहा है, एक आलोक जी नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये कुछ जगहों पर ये इस तरीके की लोगों के अंदर फीलिंग थी जी जी। और दूसरी बात कि बिहार में अंतर्गतवा सर, आगे बढ़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए हमारे साथ। अलीजी, आपके पास कोई सवाल? हाँ, राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और राजीव चक्रवर्ती अभी से लगातार नजर रखने लगे हैं कहां किस सीट पर उन्हें किस तरह से जवाब देना है। तो राजीव चक्रवर्ती साहब, अब धीरे धीरे हम लोग एग्जिट पोल वाले फेज में हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को करना होगा। एक मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया 290 करीब सीटें वो लेकर आ रहे हैं, 290 के करीब वो सीटें लेकर आ रहा है, आपका एक रिएक्शन हो जाए फिर सवाल रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो पूरे चुनाव में जो लोग आपके मीडियाकर्मी सैन्यकर्मी तमाम लोगों को मैं शुभकामना देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, और हमारे राजनीतिक बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत मेहनत की है। लेकिन देखिए, कहावत है कि सपने देखने में कोई बात नहीं होती, सपने तू भी देख मैं भी देख, लेकिन हकीकत कुछ और होता है, फसाना कुछ और होता है। तो हकीकत तो ये है कि इंडी गठबंधन तो अपने आप को समेटने में बहुत समय लगा दी। ममता बनर्जी नाराज, कभी कोई नाराज, कभी डीएमके नाराज, भानुमति का कुनबा बिखरा बिखरा सा रहा और भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेघ का घोड़ा चलता रहा। हाँ, और ये अश्वमेघ के घोड़े में था राजीव जी, इस अश्वमेघ घोड़े में अभी आहुतियां, कुनबा आप लोग का भी कोई कम छोटा नहीं है। ये और बात है कि आपकी बातें निकलकर सामने नहीं आ पाती। आएंगे आएंगे आपके पास। संजीव जी बहुत देर से लगातार हमारे साथ बने हुए लीजिए। बिल्कुल, संजीव जी से जानेंगे हम कि इससे पहले जो आप, क्योंकि 7 चरण
संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, थोड़ी ही देर में दक्षिण भारत का एग्जिट पोल सामने होगा। दक्षिण की 131 सीटों को लेकर क्या कहता है ये एग्जिट पोल, हम आपके सामने रखेंगे। तो थोड़ी देर में दक्षिण भारत का एग्जिट पोल आपके सामने होगा, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस है, इसी को आपको समझना है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम चर्चा अभी कर रहे हैं और थोड़ी देर में दक्षिण भारत का एग्जिट पोल तकरीबन 131 सीटों पर क्या मिजाज वो आपको बताएंगे। जी संजीव जी, एमपी छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर हम ओवरऑल देश के मूड को लेकर ही बात करें तो इस बार एक जो मुद्दा रहा, एक पॉइंट जिस पर लगातार बहस देखने को मिली है, वो है लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्शन। देश का चुनाव था लेकिन जनता के बीच जो लोकल मुद्दे थे उनको लेकर लगातार जनता मुखर हो रही थी। देखिए, इस पूरे के पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगती रही। अगर आप देखेंगे इससे पहले जब चुनाव हुए थे, जब विधानसभा के चुनाव थे, तो उस समय भी ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के कार्य गिनाना शुरू करते थे। जो इनके विधायक थे या इनके जो नेता थे वो अपने कार्यों के बारे में कभी नहीं बताते थे, और जो अब चुनाव हुए लोकसभा के अंदर उसमें भी आप देखें तो ये कहते थे कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। जब देश के जनता, देश का युवा, देश के किसान, देश की महिलाएं इनसे मेन मुद्दों के ऊपर आकर के बात करते थे कि जिस समय 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बात की थी कि किसानों की जो आय है उसको दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, तो उसके बाद हुआ क्या कि वो किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई बट उनका जो कर्जा था वो उनके ऊपर दुगना जरूर हो गया। और 2014 से लेकर के 2023 के बीच में तकरीबन